ये है डीजे का वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम और मैंने 3 ऐसे डीजे के वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम को अनबॉक्स किया और आप यकीन नहीं करेंगे कि तीनों के तीनों ही डिफेक्टिव। तो चलिए आज देखते हैं क्या क्या इसमें डिफेक्ट्स था, ये कोई एक मेरा कोइंसिडेंट था या कोई एक साजिश की तरह है मुझे तीनों के तीनों डिफेक्टिव मिले, आज हम पता लगाते हैं। DJI wireless microphone system is considered one of the very professional type of microphone system, पर आज के इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि जब आप ये परचेस करेंगे तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम का याद करना ज़रूरी है। ऐसे मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ इसी के साथ हो सकता है, बाकी जो वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम है उसके साथ भी हो सकते हैं ये डिवाइस का जो प्रॉब्लम है इसे फेस करना पड़ा, और आप लोग को मेरा एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम था। तो बने रहेगा वीडियो में। ये जो DJI वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम है इसका डिफेक्ट जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 24 अप्रैल को, जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था अमेजोन के थ्रू से। जब मैंने इसका अनबॉक्सिंग किया उसी वक्त ही मुझे पता चला इसमें क्या डिफेक्ट है। तो चलिए मैं आपको वो अनबॉक्सिंग का क्लिप्स दिखाता हूँ, क्या क्या उसमें मैंने अनबॉक्स किया था एक शॉर्ट फॉर्म में, और साथ ही साथ देखते हैं उस जगह पर आप पकड़ पाते कि नहीं कि इसमें क्या डिफेक्ट था, और आप लोग बताइएगा अगर पकड़ पाए तो, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देता। तो चलिए वो अनबॉक्सिंग का वीडियो देखते हैं। क्या आप दोस्तों ने समझ पाए? यहाँ पे देखिए, मैं जब इसको ओपन कर रहा हूँ तो इस तरीके से जो ग्रीन लाइट ऑन है यहाँ पे, अभी ये स्टेबल है क्योंकि ये फुल्ली चार्ज हो रखा है इसमें। पर जब वो क्लिप्स में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक साइड का जो ट्रांसमीटर का ग्रीन लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है और एक साइड का वो स्टेबल है, क्योंकि होना चाहिए था ये फुल्ली चार्ज, पर एक साइड का ट्रांसमीटर फुल्ली चार्ज नहीं है, वो ब्लिंक कर रहा है और साथ ही साथ वो अपने आप में ही डाउन होते जा रहा है, बैटरी लेवल डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि एक साइड का जो ट्रांसमीटर है उसका जो बैटरी है वो चार्ज को स्टोर ही नहीं कर पा रहा है, वो चार्ज में बैठ ही नहीं पा रहा है। तो जैसे इसको ओपन करेंगे, आप बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे तो देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अभी सब कुछ नॉर्मल में है। यहाँ पे ये इसका ग्रीन लाइट देख लीजिए, अभी भी स्टेबल ही है, चाहे यहाँ से सिग्नल चला गया यहाँ का। और इसको निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से अभी सब कुछ नॉर्मल की तरह दिखा रहा है, पर उसमें जो ये बैटरी लेवल इंडिकेटर था वो कॉन्स्टेंटली ही ड्रॉप होते जा रहा था अगर आप निकालेंगे तो। तो फर्स्ट डिफेक्ट हमें पता चला कि वहाँ पे इसका जो बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी है एक ट्रांसमीटर का वो डिफेक्ट में था। तो इतना एक क्वालिटी चेक करके सेंड करते होंगे ये प्रोडक्ट, और कैसे किस तरीके से डिफेक्टिव मुझे मिल रहा है तो आप लोग ने देख लिए फर्स्ट प्रोडक्ट। तो इसको रिटर्न किया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं DJI का माइक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर में जो भी है उसको चेक करने के लिए बोले थे, तो ऑल द एक्सेसरीज आर इनसाइड। चलिए अब आपको दिखाता हूँ कि मैंने सेकंड टाइम जब ऑर्डर किया था वो था आपका फ्लिपकार्ट थ्रू से, और अराउंड May 13 को यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से डिलीवर हो चुका है मुझे। तो उस दिन मैंने जब देखा तो क्या हुआ, इसको अनबॉक्स तो आप लोग आपने दे ही चुके, तो चले आपको थोड़ा सा क्लिप्स दिखा के बताता हूँ उस दिन को जब मैंने सेकंड टाइम इसका अनबॉक्स किया तो क्या डिफेक्ट मुझे मिला। सो नाउ यू कैन हियर द वॉइस टू द माइक इन साइलेंस, नथिंग इज देयर। नाउ आई विल मूव द माइक एंड यू कैन हियर द डिस्टॉर्शन। नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस वन, दिस इज द सेकंड ट्रांसमीटर, सो यू कैन हियर नो नॉइस, बट हियर इज द प्रॉब्लम। थैंक यू। तो इसमें सिर्फ ये एक ही प्रॉब्लम नहीं है, ये जो साउंड आ रहा है अंदर से, इसमें एक और चीज़ है, पर वो प्रॉब्लम है कि नहीं वो पता नहीं मेरे को, शायद
ये मेरा जो लेवियर माइक है इसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको चलिए दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसको मैंने इंसर्ट साइड, अब आप लोगों को जो इंटरफ्रेंस है वो सुनाई दे रहा होगा, तो इसमें कुछ इसी तरीके से इंटरफ्रेंस आता है, पर मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये इसी का प्रॉब्लम है या ये किसी और चीज़ का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हो सकता है कि ये जो लेवियर माइक है यही अच्छा उतना खास क्वालिटी का नहीं हो सकता है, तो इसके वजह से भी हो सकता है। तो आप लोग ने आवाज़ तो सुन नहीं गए, अब इसको रिप्लेसमेंट के लिए सेंड किया हूँ, तो बाद में देखते जो पीस आता है उसमें इंटरफ्रेंस रहता है कि नहीं। अब एक ये वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम, जिसे आप अगर मूव कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, तो उसी के अंदर से ही अगर उसका पार्ट्स ही मूविंग हो रहा है तो आप क्या करेंगे उसमें, साउंड में पूरा डिफेक्ट की तरह आ रहा है, आप लोग को सुनाई दे रहा है साउंड में। तो आप देख सकते हैं कि इसमें तो अभी आपको मैं सुना नहीं सकता क्योंकि दूसरा वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम कनेक्टेड है, ये पूरा सेट यहीं पर है, पर अभी इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, इसमें नॉइज़ नहीं है, पर उसको सेक कर रहे थे तो उस टाइम में किस तरीके से आपको साउंड आ रहा था आप लोग को सुन ही चुके हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट में से, और ये सेकेंड प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, उसके बाद फिर से अब इसको मैंने रिप्लेसमेंट के लिए सेंड कर दिया। अब दोस्तों वो डिफेक्टिव पीस तो मैं रख नहीं सकता था, तो चांस था वहाँ पर रिप्लेसमेंट के लिए, तो उसे मैंने रिप्लेसमेंट के लिए सेंड कर दिया। अब आप देखिए रिप्लेसमेंट का क्या होता है वहाँ पर। ये तो बड़ी ही दुविधा की बात हो गई दोस्तों, आप लोग ने तो देख ही चुके हैं कि थर्ड टाइम ऑर्डर किया और इसमें फिर भी सेम वही डिफेक्ट सेकेंड टाइम वाले में ही, इसके अंडर वाला भी मूवमेंट साउंड कर रहा था, और क्या किया जा सकता था। अब दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा था, फ्लिपकार्ट में मुझे 2000 का डिस्काउंट ऑफर में तो मिला था, पर क्या ये इन लोग का प्लानिंग रहता है इस तरीके से कि जब ऑफर दिया जाता है तो क्या ये डिफेक्टिव पीस भेजेंगे। जैसे कि अमेजोन में भी टैमरॉन का एक लेंस लिया था पहले, और उसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था ही था। तो जब भी कोई ऑफर रहता है, क्या आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं कि ये ऐसे फेस्टिव ऑफर्स में जब ये प्रोडक्ट्स डिस्काउंटेड रेट में मिलते हैं तो क्या आप लोगों को भी ऐसे डिफेक्टिव पीस ज़्यादातर मिलता है, कि आप लोग को जेन्युइन मिलता है, और मेरा कोइंसिडेंट ही आप लोग क्लियर करेगा दोस्तों ये डाउट मेरा। और आपने देख ही लिया कि अब थर्ड टाइम वाला भी पीस डिफेक्टिव ही था, तो इसमें एक चीज़ मुझे वहाँ पर सॉल्व करने का मिला कि क्या ये इंटरचेंजेबल होता है कि नहीं, तो मैंने वहाँ पर इंटरचेंजेबिलिटी का टेस्ट कर लिया दोस्तों। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इंटरचेंजेबल रहता था, DJI का एक माइक को निकाला और दूसरे के अंदर में डाल दिया, और एक ही साथ में वो आपका पेयर हो गए एक दूसरे के साथ में और कनेक्ट हो चुके थे, तो इसको यूज़ किया जा सकता था, और उनमें भी एक एक पीस डिफेक्टिव था, तो आप लोग समझ ही सकते क्या हुआ उसके बाद। और वहाँ पर मैंने जो लिया हूँ पीस, ये मेरे पास ही है, ये फ्लिपकार्ट से लिया हुआ पीस था मेरे पास में दोस्तों, तो ये इंटरचेंजेबल रहता है, पर जो डिफेक्ट है इसका लिस्ट अभी ख़त्म नहीं होता है। तो चलिए आपको मैं ऑडियो ओडे के साथ जब इसका रेंज टेस्ट कंपेयर किया गया था, तो रेंज टेस्ट में क्या क्या डिफेक्ट मिला मेरे को आप समझ सकते हैं, दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा उसका क्लिप्स और बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं राइट साइड में आपका DJI का वायरलेस माइक्रोफोन का रेंज टेस्ट हो रहा है, और लेफ्ट साइड में ऑडियो ओडे AMW 15। मैंने ट्राई किया हूँ कि किसी तरह से दोनों का डिस्टेंस सेम रहे, और यहीं पर फर्स्ट ग्लिच आ चुका है DJI वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम का। आप देख सकते हैं कि अभी तक ऑडियो ओडे का वहाँ पे ग्लिच नहीं आया है, और अभी थोड़ी देर में आपको देखने के लिए मिलेगा सेकंड ग्लिच DJI का, और फिर से उसके कुछ ही देर के बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा जो थर्ड ग्लिच है DJI का। तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ही थर्ड ग्लिच आ चुका है, और अभी आ रहा है वहाँ पर फर्स्ट ग्लिच ऑडियो ओडे का, जो अराउंड सेम डिस्टेंस था जब सेकेंड ग्लिच आया DJI का। उसके बाद जब हम अंडर की तरफ चले गए तो पूरा का पूरा ही ग्लिच हो गया, वहाँ पे कोई साउंड ही नहीं था। अगर आप दोस्तों ने जो ऑडियो ओडे का मेरा अनबॉक्सिंग का था, फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब अनबॉक्स किया गया था ऑडियो ओडे का प्रोडक्ट, अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखे तो लिंक ऊपर में देख सकते हैं। वो 19,000 का और ये DJI का 34,000, अभी तो 38,000 के आसपास में चल रहा है यहाँ पे अमेजोन में दोस्तों, और फ्लिपकार्ट में शायद। तो इतना कॉस्टली डबल द प्राइस, और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, आप लोग उस वीडियो में देखेंगे तो पता चलेगा, पर उसका रेंज इस DJI से अच्छा आ रहा था। तो हमें फोर्थ डिफेक्ट इसका जो था, ये भी फोर्थ तो नहीं, थर्ड डिफेक्ट जो इसका था, हमें ये भी पता चल चुका है वो है इसका रेंज मुझे ऑडियो ओडे से भी कम मिला। तो
क्या कह सकते दोस्तों, इसे हेन्स के लिए ही माना जाता है, पर अब ये वाला मेरा पीस में डिफेक्टिव ही डिफेक्टिव है, मैं ये कह नहीं सकता हूँ। पर आप लोग बताइए कि इसका रेंज आप लोग को कैसा मिल रहा है, DJI का जो वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उन लोग बताए कि आपको अच्छा रेंज मिल रहा है कि नहीं। अब थर्ड हमें फॉल्ट तो पता चल गया, और एक और वीडियो देखा था जिसमें कह रहे थे कि इसका कभी कभी कोई एक प्रोडक्ट में ऐसा रहता है कि आपका ये अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रिकॉर्ड करें तो जो इसका इंटरनल रिकॉर्डिंग है जो और कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है उसमें थोड़ा बहुत स्पीड का डिफरेंस होके लैग करता है। मेरे में ऐसा कुछ डिफरेंस मुझे पता नहीं चला, मेरा तो टाइमिंग सही ही चल रहा है, पर यह भी एक डिफेक्ट है और मैं इसको लिस्ट डाउन नहीं करता हूँ क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली टेस्ट नहीं किया, मैंने जस्ट एक वीडियो में देखा था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या डिफेक्ट है, और ये नहीं कहता हूँ कि ये बाद में जाके डिफेक्टिव नहीं होगा, हो सकता है ये बाद में भी जाके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पर स्टार्टिंग में बाई करते ही ऐसा प्रॉब्लम हो और जिन्हें इन डिफेक्ट्स के बारे में पता नहीं है और एक्सचेंज ऑफर ख़त्म हो जाएगा वो लोग क्या करेंगे, आप सोच ही सकते हो। वो लोग तो रिटर्न भी नहीं कर सकते, उसके बाद इसको रिपेयर में भेजो। साउंड आपका अगर क्लिक कर रहा है अंदर की तरफ में और आपका पूरा फुटेज ही ख़त्म हो जा रहा है, तो साउंड के लिए आप लोग इतना एक्सपेंस कर रहे हैं और आपको क्वालिटी ही नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कर सकते हैं। मेरा कोई दुश्मनी नहीं है DJI से दोस्तों, आप लोग को बता दूँ, पर मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करके आप लोग को कोई आइडिया मिलेगा, और मुझे भी सजेशन दीजिए क्या ये ऐसे फेस्टिव ऑफर्स में जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो ज़्यादातर डिफेक्टिव रहते हैं कि क्या होता है, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। ये वीडियो जितना हो सके शेयर करें, लोगों को पता चलेगा उनको क्या याद करना बाय करने से पहले, और लाइक और कमेंट्स करते रहिएगा दोस्तों। तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारे फैमिली मेम्बर की जो और वीडियो मिलता रहे, और भी ज़्यादा आप लोगों का प्यार और ऊबर वाले का प्यार।